Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here to discuss along with you the most important numerical. And this numerical I have taken from class 11th, Unit 2 Kinematics, Chapter 4 Motion in a Plane. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. बहुत बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं और 3-3 मार्क्स के ये न्यूमेरिकल्स होते हैं. प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए इसका एक वीडियो जनरेट कर रहा हूँ, जल्द ही आप तक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप देख पाएँ कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व किए जाते हैं. क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. तो न्यूमेरिकल इज इफ वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड्स 5, 12 एंड 13 यूनिट्स एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी. आई एम अगेन रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, इफ वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 यूनिट्स एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. तो कैसे करेंगे, चल देखते हैं इसको. वो कह रहा है कि आपके पास वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर. ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस ए, दैट इज 5. बी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज बी, दैट इज 12. सी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 13. तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर्स उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है दैट इज 5 यूनिट, बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है दैट इज 12 यूनिट, सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है दैट इज 13 यूनिट. और क्या गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपको सी वेक्टर के बराबर दिया गया है. और क्या गिवन है, ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है बी, सपोज दिस इज द बी वेक्टर एंड दिस इज द वेक्टर से सी, इनके बीच में एक एंगल है. मैंने मान लिया इनके बीच में कितना एंगल है, से थीटा. दोबारा सुने, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज 12, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज 13. ए प्लस बी आपको सी गिवन है और बी और सी दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एक एंगल है, हमें नहीं पता कितना एंगल है. मैंने मान लिया कि वह एंगल थीटा है. वो कह रहा है कि इस थीटा को फाइंड आउट करो. फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट हमें क्या करना है, थीटा मींस एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये हमें फाइंड आउट करना है. अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के पहले कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसका वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया आपसे. क्या है, आप देखें, दीज आर द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट से ओ, दिस इज द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट एंड दीज आर द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, और ये तीनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर म्यूजली परपेंडिकुलर. अब एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है दैट इज आई यूनिट वेक्टर, वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है दैट इज जे यूनिट वेक्टर, जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है दैट इज के यूनिट वेक्टर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी मींस 1. तो आप ध्यान से देखें,
आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, दैट इज ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर एज पर डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आई डॉट आई क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर दैट इज वन, आई यूनिट वेक्टर दैट इज वन कॉस एंगल बिटवीन देम, दो वेक्टर्स आई यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री, कॉस जीरो वन, तो रिजल्ट इज वन। सिमिलर मैनर से जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, वन डॉट वन कॉस जीरो डिग्री दैट इज वन। कैसे पता चला, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दिस इज द यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड वन, मैग्नीट्यूड वन, कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना इन दोनों के बीच में, दैट इज जीरो डिग्री, कॉस जीरो वन। सिमिलर मैनर से के डॉट के दैट इज वन डॉट वन कॉस जीरो डिग्री दैट इज वन। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट इज यूनिटी वन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट इज यूनिटी वन, कॉस ऑफ एंगल दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो कॉस जीरो वन, द आंसर इज वन। इस कंसेप्ट को मैं इसमें यूज करूंगा, तो देखो कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको कितना गिवन है दैट इज सी वेक्टर, तो एक काम करते हैं ए वेक्टर को निकालते हैं दैट इज सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर को इधर ले जाएंगे, तो अब एक काम करते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लेते हैं तो क्या बनेगा, c वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट c वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो अब आप a डॉट a फॉर्मूला लगाएंगे, a डॉट b का प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ध्यान से देखें, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी अगेन इट इज ए वेक्टर, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कितना एंगल है इन दोनों में, दीज टू आर द सेम वेक्टर्स, सेम वेक्टर्स मीन्स एंगल इज जीरो डिग्री, तो कॉस जीरो डिग्री। अब यहाँ पे हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, पहले सी वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b वेक्टर डॉट c वेक्टर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। दोबारा देखें a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इज जीरो डिग्री, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पहले c को इन दोनों के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर b को इन दोनों के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो c वेक्टर डॉट c वेक्टर माइनस c वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट c वेक्टर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब ध्यान से देखिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर दैट इज a, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर दैट इज a, तो a इंटू a दैट इज a स्क्वायर cos 0 1। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर दैट इज a, हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होता है वो ए होता है दैट इज अ स्केलर, तो ए ए कॉस जीरो वन तो ए स्क्वेयर। अब सी डॉट सी का करेंगे तो सी डॉट सी का करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस ऑफ एंगल, दोनों सेम वेक्टर्स हैं सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होगा जीरो डिग्री, माइनस इसका करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, C और B में एंगल कितना है ध्यान से देखिए थीटा, तो कॉस थीटा माइनस इसका करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना है थीटा तो थीटा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B इसका करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस, एंगल कितना है जीरो डिग्री कॉस जीरो। दोबारा देखें C डॉट C का करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ C कॉस ऑफ एंगल, दोनों क्या है सेम वेक्टर्स हैं तो एंगल कितना होगा जीरो डिग्री, माइनस
C vector dot B vector, product of magnitude of C, product of magnitude of B, cos of angle, angle कितना है theta, जो हमें निकालना है, minus, product of magnitude of B, magnitude of C, cos of angle, angle कितना है theta, जो आपको find out करना है, plus, product of magnitude of B, cos of angle, दोनों क्या है, same vector है, parallel vectors है, theta is 0 degree, solve करेंगे, तो A square is comes out to be, Now what is the product of magnitude of C? Magnitude of C that is C. C that is C. C or C that is C square cos 0 1 minus C vector ka hoga C B cos theta minus iska karenge B C cos theta plus magnitude of B that is B scalar hoga to B square aa jayega cos 0 1 तो a स्क्वायर कितना हो गया आपके पास c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस cb cos थीटा माइनस bc cos थीटा अब ध्यान से देखिए c क्या है c वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज स्केलर b वेक्टर क्या है b क्या है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज स्केलर मुझे एक बात बताएं 5 इंटू 4 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 बिल्कुल लिख सकता हूँ तो इसका मतलब दिस इज सी दिस इज बी दिस इज बी दिस इज सी तो ये बराबर होते हैं क्यों क्योंकि सी क्या है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज अ स्केलर सपोज दिस इज 5 बी वेक्टर क्या है बी क्या है बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज स्केलर दैट इज 4 तो C डॉट B, C इंटू बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ B इंटू सी बिल्कुल लिख सकता हूँ तो इन दोनों को लिखेंगे तो इसका मतलब अब आपके पास आ जाएगा A स्क्वेयर इज इक्वल टू दैट इज C स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर C स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस यहाँ पे क्या था सी बी कोस थीटा माइनस अब BC को मैं कैसे लिख दूं CB cos थीटा माइनस CB cos थीटा दिस इज बिकॉज CB इज इक्वल टू BC तो A स्क्वायर कितना हो गया आपके पास C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2CB cos थीटा आपको निकालना क्या है थीटा निकालना है यहां से तो इस टर्म को इधर ले आएंगे तो 2CB cos थीटा इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ए स्क्वेयर तो कॉस थीटा आ गया आपके पास सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू सी बी तो वैल्यू पुट करेंगे नाउ व्हाट इज सी दैट इज 13 तो 13 का स्क्वेयर प्लस बी दैट इज बी बी कितना है 12 का स्क्वेयर माइनस ए ए कितना है 5 तो 5 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी इंटू बी नाउ व्हाट इज सी दैट इज 13 नाउ व्हाट इज बी दैट इज 12 वैल्यूज पुट करी है मैंने सी स्क्वेयर नाउ व्हाट इज सी दैट इज 13 तो 13 का स्क्वेयर नाउ व्हाट इज बी 12 तो 12 का स्क्वेयर व्हाट इज ए 5 तो 5 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 सी बी 2 इंटू 13 इंटू 12 तो इसको सोल्व करेंगे जब इसको सोल्व करेंगे तो कॉस थीटा आएगा आपके पास 13 का स्क्वायर दैट इज 169 12 का स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13 इंटू 12 तो जब इसको करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास ध्यान से देखें तो ये आएगा आपके पास 13 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 वन थ्री वन तो 6 3 और 2 5 156 156 को 2 से करेंगे 2 6 जा 12 2 5 जा 312 द आंसर इज इसमें नीचे क्या आएगा 312 करें मल्टीप्लाई 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2 इंटू 13 दैट इज 26 26 को आप करेंगे 12 से तो आंसर बनेगा 312 इसको करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा आपके पास 288
169 प्लस 144 दोनों को ऐड करेंगे और माइनस 25 करेंगे इसमें, तो आंसर इज 288 डिवाइडेड बाय 312। जब इसको सॉल्व करेंगे द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 12/13, आंसर कम्स आउट टू बी 12/13। तो कॉस थीटा कितना आ गया आपके पास 12/13, तो थीटा इज कॉस इनवर्स 12/13। सो दिस इज द एंगल, एंगल इज कॉस इनवर्स 12/13। तो दिस इज द न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट्स, देन प्लीज प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद।